अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आइडियल एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम क्लास 7 की जो इंग्लिश की बुक है, चैप्टर नंबर 3, द नेशन स्ट्रेंथ, कौम की ताकत पोएम, उसके आंसर क्वेश्चन करेंगे। तो इसके बुक में जो बुक की एक्सरसाइज है उसमें 10 क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखें, अकॉर्डिंग टू द पोइट व्हाट मेक्स अ नेशन स्ट्रॉन्ग, शायर के मुताबिक कौम को क्या चीज़ मजबूत बनाती है। आंसर देखें इसका जी, अकॉर्डिंग टू द पोइट, शायर के मुताबिक द ग्रेट अजीम एंड ब्रेव बहादुर मैन, इंसान या आदमी, मेक्स अ नेशन स्ट्रॉन्ग, कौम को मजबूत बनाती है। शायर के मुताबिक अजीम और बहादुर इंसान ही कौम को मजबूत बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखें, व्हाट इज़ मीट बाय अ नेशंस पिलर एंड इट्स फाउंडेशन, कौम के सतूनों और इसकी बुनियादों से क्या मुराद है। अ नेशंस पिलर, कौम के सतून एंड इट्स फाउंडेशन और उसकी बुनियादें, मींस मतलब है द ग्रेट एंड ब्रेव पर्संस, अजीम और बहादुर लोग, हु मेक्स जो बनाते हैं द नेशन, कौम को ग्रेट अजीम एंड स्ट्रॉन्ग और मजबूत, विद देयर हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन, अपनी मेहनत और अज़म से। कौम के सतूनों और उसकी बुनियादों से मुराद वो अजीम और बहादुर हस्तियां हैं जो अपनी मेहनत और अज़म से कौम को अजीम और मजबूत बनाती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, इन द फर्स्ट स्टैंजा, पहले मिसरे में, द पोइट शायर वंडर्स अबाउट सर्टेन थिंग्स, वंडर होता है ताजुब होना, हैरान होना, अबाउट सर्टेन थिंग्स, बास चीज़ों पर, व्हाट आर दे, वो क्या हैं। इन द फर्स्ट स्टैंजा द पोइट वंडर्स अबाउट दोज थिंग्स, या दोज हु सेव द कंट्री फ्रॉम द एनिमी, पहले मिसरे में शायर ने उन लोगों पर ताजुब किया जो अपने वतन को बचाते हैं दुश्मनों से, हु हैज़ सराउंडेड देयर होमलैंड, जो दुश्मन वो जो जिन्होंने उनके घरों के गिर्द घेरा डाला हुआ है, दे आर ग्रेट एंड ब्रेव मैन हु सेव इट, वो अजीम और बहादुर आदमी हैं जो उसे बचाते हैं। पहले मिसरे में शायर ने उन लोगों पर ताज्जुब किया जो अपने वतन को घेरे हुए दुश्मन से बचाते हैं, वो अजीम बहादुर आदमी हैं जो इसे बचाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखें, व्हाट क्वालिटीज़, वो कौन सी खूबियां हैं मेक अ पीपल ग्रेट, जो आदमी को अजीम बनाती हैं। आर दीज क्वालिटीज़ एसोसिएटेड विद हेल्थ, वेल्थ और करेक्टर, क्या ये खूबियां सेहत, दौलत या करदार से वाबस्ता हैं। दे सैक्री, आंसर देखें इसका, दे सैक्रीफाइस देयर लाइव्स फॉर देयर होम लैंड, वो अपने वतन के लिए जाने कुर्बान करते हैं। दे स्टैंड फास्ट फॉर द ट्रूथ एंड ऑनर ऑफ द नेशन, वो कौम की सच्चाई और इज्जत के लिए डटे हुए होते हैं। एंड और सुफर होता है बर्दाश्त करना, लॉन्ग तवील, ठीक है, और वो तवील मुसाइब बर्दाश्त करते हैं। दीज क्वालिटीज़ आर एसोसिएटेड विद करेक्टर, ये जो सफ़ात हैं वो करदार से वाबस्ता हैं। उन्होंने पूछा ना कि वो जो क्वालिटीज़ हैं वो हेल्थ से हैं या वेल्थ और करेक्टर, तो हमने बताना है ये करेक्टर से वाबस्ता हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखें, व्हाट आर दी फाउंडेशंस ऑन विच अ स्ट्रॉन्ग किंगडम इज़ बिल्ट, वो कौन सी बुनियादें हैं जिन पर एक मजबूत सल्तनत कायम होती है। अ स्ट्रॉन्ग किंगडम इज़ बिल्ट ऑन द फाउंडेशन, एक जो मजबूत सल्तनत है वो बुनियादों पर कायम होती है, ऑफ सॉलिडेटरिटी एंड स्पिरिट ऑफ पेट्रियोटिज़म, स्पिरिट ऑफ पेट्रियटिज़म यानी हुब्बुल वतनी का जज्बा और सॉलिडिटरी यकजहती,
यकजहती और हुब्बुल वतनी के जज्बे की बुनियादों पर एक मजबूत मुमलकत की तमीर होती है या एक मजबूत कौम की तमीर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखें, व्हाट इज़ द वर्थ ऑफ वर्ल्डली पावर एंड प्राइड इन द साइट ऑफ गॉड, खुदा के नज़दीक दुनियावी ताकत और गरूर की क्या हैसियत है। वर्ल्डली पावर यानी दुनियावी ताकत एंड प्राइड और गरूर इज़ वर्थ लेस, कोई हैसियत नहीं है इन द साइट ऑफ गॉड, खुदा के नज़दीक या अल्लाह ताला के नज़दीक। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, हाउ डज द लास्ट स्टैंजा फिट इन टू द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम, जो आखिरी बंद है वो नज़म के मजमूई ढांचे में कैसे फिट होता है। ठीक है, द लास्ट स्टैंजा फिट इन टू द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम, आखिरी बंद नज़म के मजमूई ढांचे में फिट होता है। एज इट कंक्लूड्स द पोएम बाय आंसरिंग ऑल क्वेश्चन रेज्ड इन द अर्लियर स्टैंजा, क्योंकि ये नज़म का इख्तिमाम है तो आम सवाल के जवाब देकर करता है, यानी जो ऊपर वाले स्टैंजाज में क्वेश्चंस पूछे हुए हैं इस स्टैंजा में वो सारे आंसर्स दे रहा है। इट इंक्लूड आंसर डैट द ब्रेव मैन मेक्स अ नेशन स्ट्रॉन्ग, इसमें ये जवाब शामिल है कि बहादुर आदमी लोगों को या कौम को मजबूत बनाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखें, कैन वेल्थ अलोन मेक अ नेशन ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग, क्या सिर्फ दौलत कौम को अजीम और मजबूत बना सकती है। इट इज़ नॉट गोल्ड डैट मेक्स अ नेशन स्ट्रॉन्ग, उन्होंने कहा कि ये सोना नहीं है जो कौम को मजबूत बनाता है। ठीक है, ये वेल्थ नहीं है, सोना नहीं है। सच नेशन इज़ वर्क एंड नॉट अ ग्रैंड नेशन, ऐसी कौम कमज़ोर होती है, ठीक है, जो सिर्फ पैसे पे मतलब करती हो, ऐसी कौम कमज़ोर होती है, अजीम नहीं होती। सच नेशन लूजेस बैटल एंड हैज़ वीक फाउंडेशन, ऐसी कौम जंग हार जाती है और इसकी बुनियादें कमज़ोर होती हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, पैराफ्रेज द सेकंड लास्ट स्टैंजा इन सिंपल लैंग्वेज, दूसरे आखिरी बंद को आसान ज़बान में बयान करें। ठीक है, जो लास्ट सेकंड लास्ट है उसको अपने वर्डिंग में आपने बयान करना है। यहाँ पे भी एक क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ है, ये देख लें, इट इज़ नॉट गोल्ड डैट मेक्स अ नेशन स्ट्रॉन्ग, ये सोना नहीं है जो कौम को मजबूत बनाता है। इट्स मैन हु मेक इट स्ट्रॉन्ग ओनली फॉर ट्रूथ एंड दी ऑनर, ये आदमी है जो इसे मजबूत बनाता है सिर्फ सच्चाई और वक़ार के लिए। And for it they face everything to achieve their goal, और इसके लिए अपनी मंजिल को हासिल करने के लिए वो हर चीज़ का सामना करते हैं। ठीक हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 देखें, what are the qualities of the brave man described in the poem, नज़म में बहादुरों की क्या खूबियाँ बयान की गई हैं। the brave men, बहादुर लोग, वर्क वाइल अदर स्लीप, वर्क काम करते हैं वाइल जबकि दूसरे सोते हैं। दे शो करेज वाइल अदर फ्लाई, वो जुरत का मुजाहरा करते हैं जबकि दूसरे दूर भाग जाते हैं, या फ्लाई के मीन उड़ जाना भी होता है। ओके, दे स्टे फिर्म फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो लंबे अरसे के लिए मजबूत खड़े रहते हैं। ओके जी, यहाँ पे हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं।